फर्स्ट बॉल समी करो पाकिस्तान दूल्हा को देखो समी जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। हाँ जी, तो आज है संडे का दिन और आपको पता है कि आज कितना बड़ा संडे है हमारे लिए, क्योंकि जी आज है जी फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का। तो बस उसी की तैयारी का मैच शुरू हो चुका है और बस जल्दी जल्दी हम लोग इतवार बाजार से चीज़ें ला के रख दी हैं। मैंने उसे माने भाग भाग कर आज बच्चों को छोड़ के गए थे। बच्चों ने इतना रोना मचाया, मैंने उनके बच्चों के साथ फिर इतवार बाजार नहीं जाया जाता और फिर देर लग जाती है। ये देखें, नाराज़ है अभी पीछे हम उनसे नाराज़ हुए में। तो मैच शुरू हो चुका है, ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान। तो आप सब भी मैच बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें और इंशाल्लाह आज जो पूरा ब्लॉग है वो मैच का जाएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और वर्ल्ड कप लेके आएगा। तो फिर आप लोगों को मैच की सूरत हाल दिखाती हूँ कि मैच का क्या सूरत हाल है। अभी पहला ओवर चल रहा है अभी और 4 रन हो गए हैं और ये देखिए अब्दुल्ला नाराज़ हैं। अब्दुल्ला नाराज़ है मुझसे और पापा से कि हमें लेके क्यों नहीं गए। तो अब्दुल्ला बेटे, आपको लेके जाते तो बहुत देर लगनी थी। और हमने यहाँ पे मैच के लिए टीवी आज यहाँ सेट कर लिया इस कमरे में। और ये देखिए जी क्या होने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जरा, ये मैच की तैयारी हो रही है। अब्दुल्ला देखे, ये देखिए अब्दुल्ला ने अपना पेंट खुद किया है। जितना अच्छा अब्दुल्ला ने गंदा अपना किया है उतना ही गंदा समी का भी कर रहा है। समी दिखाओ, जो दिखाओ ये लो अपना फ्लैग भी पकड़ दिली और फ्लैग। और उधर मैच भी चल रहा है साथ। समी इधर आओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। समी आपका फ्लैग किधर है? चलो जैसे जैसे जब चौका और छक्का करना है ना आपने ऐसे करना है, ठीक है? दिखाएं अपना फेस। वाह अब्दुल्ला, ये इससे अच्छा तो मम्मा से बनवा लेते आप। अब्दुल्ला का मुंह देखें जरा, पापा को दिखाओ। समी ऐसे करो, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना तेज नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, खराब हो जाएगा फ्लैग, इस आराम से। बाहर का मौसम चेक करें, बाहर बादल आए हुए हैं, सख्त बादल आए हुए हैं। और ये चल रहा है जी मैच और 10 ओवर्स हो गए हैं और पाकिस्तान के 10 ओवर्स में सिर्फ 68 स्कोर्स हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 10 ओवर में 68 थे तो अभी 2 रन बने हैं। तो ये भी मैच चल रहा है और होप फॉर द बेस्ट, लग रहा है कि पाकिस्तान जीत जाए। बस अभी दोनों खड़े रहे ना, जीते जीते समी जीते, मैं तो कह रही हूँ जीते बेटे। आप भी ये कह रहे हो, वो देखो मास्क पहना हुआ है उसने जी। फ्रेंड तो आज का यहाँ का मौसम देखें जी, यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है और इतनी बादल हो रहे हैं। क्या हुआ है? और ये देखें जी मौसम आज का कैसा है और बादल बादल आए हुए हैं, बारिश होने वाली है। ये दोनों बाहर खेल रहे हैं, बादल हैं हर जगह, बस बारिश होने वाली है जी। फ्रेंड तो मैच का पहला हिस्सा हो गया है, पाकिस्तान ने इंतहाई क्या कहूँ कि बैटिंग ऐसे की है, क्योंकि शायद बॉलिंग पिच थी तो बैटिंग नहीं सही हुई, कुछ मिस्टेक्स भी की हैं और रन बहुत कम बनाए हैं। एंड में इतनी ज़्यादा विकेट्स गिरी हैं और रन कम बने हैं। और सिर्फ मैं कहूँ इंग्लैंड की बैटिंग के आगे के 138 रन चाहिए हमको जीतने के लिए। तो फिंगर क्रॉस और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि बॉलिंग आज बहुत ज़्यादा कमाल की चले और पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन सच बताऊं अब डर लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि बस जैसे हाथ से चला गया है। लेकिन उम्मीद की दुनिया कायम है, मैं वो हूँ जो आखिरी बॉल तक बिलीव करती हूँ मैच में।
तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए और वहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हो गई है और मैं दुआ ये करूँगी कि पाकिस्तान शुरू में ही एक दो विकेट ले ले और पाकिस्तान जीत जाए। तो चलते हैं मैच देखते हैं, अंदर जाके डर लग रहा है मुझे मैच देखने के लिए। तो ये देखें जी, इंग्लैंड के प्लेयर्स आ गए हैं और ये इंतहा इनका ख़तरनाक प्लेयर है जॉस बटलर, और बॉलिंग के लिए हमारा शाहीन अफरीदी आ गया है। और बस अल्लाह करे कि शुरू में ही आउट हो जाएँ, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह शुरू में ही आउट हो जाएँ और जीत जाए। और ये पहली बॉल होने जा रही है, अब्दुल्ला पहली बॉल, दुआ करो अब्दुल्ला आउट हो जाए, अब आउट करने लिए दुआ करनी है, ठीक है। और ये पहली बॉल शाहीन अफरीदी डालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पहली बॉल पे उन्होंने मार दिया है चौका, बाउंड्री बहुत ही बड़ी है आज, आज बहुत बड़ी बाउंड्री है। हमने इतनी शॉटे शुरू में मारी लेकिन हमारी बाउंड्री नहीं गई। और अब्दुल्ला बस अब दुआ करो कि जल्दी जल्दी आउट हो जाए, जल्दी जल्दी आउट हो जाए। हाँ जी फ्रेंड, तो जो कल का व्लॉग था वो मैं बिल्कुल भी एंड नहीं कर सकी, क्योंकि जो कल का रिज़ल्ट था वो ऐसा हुआ कि जो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान हार जाएगा। तो बस उसके बाद मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि दुख था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि पाकिस्तान हार गया है। क्योंकि तो जब मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने बैटिंग की है ना, मैं आप लोगों को बोल रही थी पहले व्लॉग में, अगर आपने देखा तो पहले मैं बोल रही हूं कि इतना कम स्कोर बनाया है तो कहीं कहीं डर लग रहा है। थोड़ा सा 10-15 रन हमारे ज़्यादा होते तो हमारी बॉलिंग कर सकती थी, और अभी भी हमारी बॉलिंग ने काफ़ी कुछ कर लिया था, मतलब उनको अच्छे से रोक लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैप हो गया हमारे साथ के हम लोग नहीं कर सके। शाहीन अफरीदी कैच पकड़ने गए और वो इंजर्ड हो गए। हमने सुना था कि कैचेस विन मैचेस, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ कि जी कैच पकड़ने की वजह से हम लोग हार गए। और ये है कि जी वो कैच पकड़ने आया शाहीन अफरीदी और वो पहले ही वो इतना फिट नहीं था, तो कैच पकड़ने के चक्कर में जी उसने अपने आप को और ज़ख्मी कर लिया। और वो ओवर करने आया भी, उसका हिम्मत की, उसने एक बॉल की उसने बहुत अच्छी की और जिस पर कोई रन नहीं बना, और उसके बाद वो नहीं कर सका और वो चला गया। और वही हमारा वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक़्त हमने इतना अच्छा रोक लिया था इतने स्कोर पर कि इंग्लैंड को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और वहाँ पर एक विकेट हमारी चली जा हमें मिल जाती ना शाहीन अफरीदी के ओवर से, तो रिज़ल्ट कुछ और होते। लेकिन बस होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। लेकिन दुख बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ़ाइनल तक पहुंचना बिल्कुल एक स्टेप करीब, तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। और हमसे ज़्यादा दुख तो प्लेयर्स को हो रहा होगा डेफिनेटली, हम लोग जब यहाँ बैठ के इतना हमें बुरा फील हो रहा है, तो जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं जो ग्राउंड में, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तो बस बुरा लगा, तो बस उसके बाद मैं नहीं वीडियो बना पाई। उसके बाद बस वो जो हार थी ना, वो उसने वो जाके कहते हैं ना दिल पे जाके लगी, और आप सब लोग भी ऐसे ही फील करे होंगे। लेकिन फिर भी कि हम लोग अपनी टीम पे प्राउड फील करते हैं कि जिस तरह उन्होंने खेला लड़ा, और एक वक्त था कि हमें पता भी नहीं था कि वो सेमीफाइनल में पहुँच पाएगी कि नहीं पाएगी, बल्कि सब यही कह रहे थे कि वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह सेमीफाइनल में खेला, साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया, और हम लोग पहुँचे फाइनल तक, और तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस बेटर लक नेक्स्ट टाइम, देखते हैं इंशाल्लाह आगे अच्छा करे। तो बस यही है, लेकिन जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अगले दिन मैं अपना जो व्लॉग है वो आज एंड कर लूँ, क्योंकि कल का शुरू हुआ हुआ है और नहीं एंड कर सकी। तो इसी यहाँ पे सुबह कल रात से मौसम ऐसा है कि बारिश होती जा रही है, और सही मानों में अब ठंड आ गई है, और अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है बारिश, और लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश हो ही जा रही है, रात से लगी हुई है। तो ये देखिए सारा गीला हुआ है और अभी रुकी है, अभी समी को बारिश में ही लेके आए हैं जाके, तो अभी बारिश का और है इम्कान। उनके बादल आप जैसे देखें नज़र आ रहे होंगे बादल आपको, व्लॉग है वो यहीं पे एंड करूँगी। मैं अपने अस्सलाम वालेकुम कहना है।
अस्सलाम वालेकुम कह दें। देखे ना, क्या देख रहे हो आप? टीवी देख रहे हो? कौन से कार्टून देख रहे हो? रोमा एंड डियाना। रोमा एंड डियाना देख रहे हैं भाई। हाँ जी फ्रेंड, तो बस इसी के साथ ही जो अपना आज का व्लॉग एंड करूँगी। सोचा नहीं था कि ये व्लॉग ऐसा एंड होगा। सोचा था कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एक खुशी के साथ और एक इन्जॉयमेंट के साथ एंड होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो उम्मीद भी यही थी और दुआ भी यही थी और लग भी यही रहा था। सारे कह रहे थे 92 की निशानियां हैं, 92 की निशानी है। लेकिन एक मज़े की बात लिखी हुई थी नेट पे जो मैं पढ़ रही थी कि 92 की निशानियां जो थी, हम फाइनल में पहुंच गए, लेकिन 92 की हार का ही बदला लेने इंग्लैंड आ रहा है। तो बस वो वाली बात है कि अल्लाह ने इस तरह नहीं लिखा था हमारे हक में वर्ल्ड कप। लेकिन फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, हर दफ़ा बंदा फाइनल में भी नहीं पहुंच पाता, तो बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही इस दुख से निकला जाएगा, क्योंकि नेट पे आप देखें तो यही मैच की ही चीज़ें आपको, खबरें नज़र आ रही हैं, तस्वीरें नज़र आ रही हैं, तो फिर और ज़्यादा दुख होता है। तो अब जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2024 में होगा और 2023 में आ रहा है जी वर्ल्ड कप इंडिया में जून में, जो कि है 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। तो उससे पहले हमें अपनी बैटिंग ठीक करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो मसला है ना, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो कभी भी पाकिस्तान के लिए मसला नहीं रहा। पाकिस्तान जो हमेशा हारा है ना, वो अपनी बैटिंग की वजह से ही हारा है। अगर पाकिस्तान अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे ले तो वो पाकिस्तान नंबर वन टीम बन सकती है। बॉलिंग तो हमेशा से ही पाकिस्तान टीम की बहुत 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 अच्छी रही है, बैटिंग में मरवाते हैं। कल भी बैटिंग की वजह से हम लोग हारे हैं। शाहीन अफरीदी को हम लोग क्या कहें कि उस तो इंजर्ड हो गया ही हो गया, लेकिन बात यह कि पहले ही हमने रन इतने कम किए थे कि वहीं से लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा। वो तो बॉलर्स ने हमारे इतना मैच फंसा दिया था, थोड़ी सी उम्मीद लगा दी थी, वरना मैच तो हम वहीं से हार गए जब हमने 10-15 रन कम बनाए। खैर होता है, गेम है, एक बंदे ने हारना होता है, एक बंदे ने जीतना होता है। तो फिर भी हमें अपनी टीम से बहुत ज़्यादा प्राउड है, हम लोग बहुत खुश हैं, उनसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो और उनके लिए बहुत सारी विशेज हैं कि इंशाल्लाह आगे वो मैचेस में अच्छा करें, आगे वर्ल्ड कप में अच्छा करें। तो बस इसी दुआ के साथ, इसी नोट के साथ मैं अपना आज का जो व्लॉग है वो एंड करूँगी। तो इसी के साथ ही अपनी बहन मेरिन को लाइफ टाइम विद मेरिन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।